गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो दिस इज़ योर हिंदी पीरियड एंड टुडे वी विल डू सम रिवीजन ऑफ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. आज हम हिंदी लैंग्वेज में रिवीजन करेंगे. एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर? द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. इसकी ये रिवीजन वर्कशीट है. ये हमें क्या करनी है? अभी सॉल्व करनी है. ओके, यू ऑल हैव टू सॉल्व दिस वर्कशीट इन योर हिंदी लैंग्वेज नोटबुक वेरी नीटली. ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए. जो जल में रहते हैं, जो जल में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? जल चर. राइट हियर, जल चर. नेक्स्ट इज जो किसी से नहीं डरता. जो किसी से नहीं डरता उसे क्या बोलते हैं हम? निडर. निडर. थर्ड, जो रोगी का इलाज करता है. जो रोगी का इलाज करता है उसे हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर. नेक्स्ट, जो गाना गाती है. जो गाना गाती है उसको हम क्या बोलते हैं? गायिका. ऑल राइट, सो डन. जो जल में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जलचर. जो किसी से नहीं डरता उसे हम क्या बोलते हैं? निडर. जो रोगी का इलाज करता है उसे हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर. जो गाना गाती है उसे हम क्या बोलते हैं? गायिका. ऑल राइट, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है? मिलान करना है. ऑल राइट, जो आलस्य करता है, जो आलस्य करता है उसे हम क्या बोलते हैं? आलसी. सो इसको मैच करना है हमें आलसी से. ओके, तो मैच करेंगे हम आलसी से. ओके, नेक्स्ट इज जो मिठाई बनाता है. जो मिठाई बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं? हलवाई. ओके, प्रतिदिन होने वाला. जो चीज़, जो जो काम प्रतिदिन होता है, रोज़ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? दैनिक. ओके, नेक्स्ट इज जो कपड़े जो पढ़ाता है. जो पढ़ाता है उसे हम क्या बोलते हैं? शिक्षक या अध्यापक भी बोलते हैं. एंड लास्ट इज जो कपड़े सिलता है, जो हमारे कपड़े सिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? दर्जी. ऑल राइट, जो आलस्य करता है उसे हम बोलते हैं आलसी. जो मिठाई बनाता है उसे हम बोलते हैं हलवाई. जो प्रतिदिन होने वाला उसे क्या बोलते हैं हम? दैनिक. जो पढ़ाता है उसे हम बोलते हैं शिक्षक. और जो कपड़े सिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? दर्जी. ऑल राइट, नाउ कंप्लीट योर वर्क फास्ट. Note it down fast. Take a pause and note down this worksheet in your Hindi language notebook. So class, I hope you all have done. So that's all for today's class. Bye-bye. Take care.